हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जरासंध की सेना ने जब मथुरा को घेर लिया तो जरासंध ने एक शर्त रखी कि यदि कृष्ण और बलराम को उसके हवाले कर दिया जाए तो वो मथुरा का विध्वंस नहीं करेगा। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। उस पर कुछ दरबारी भड़क उठे। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है। और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, महाराज यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का, और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। महाराज जरासंध को यह संदेश भेज दिया जाए कि प्रातः सूर्योदय होते ही हम दाऊ भैया के साथ जाकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। ये सूचना जरासंध को भेज दी गई कि कल प्रातः श्री कृष्ण और बलराम स्वयं मथुरा से बाहर निकलकर आत्मसमर्पण कर देंगे। वाह मित्र वाह, तुम्हारी योजना तो सचमुच सफल हो गई। कल प्रातः कृष्ण और बलराम मथुरा के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर हमारे सामने आत्मसमर्पण करेंगे। दूसरे दिन प्रातः जब दोनों भाई आत्मसमर्पण के लिए चले
तो मथुरा के गली कूचों में एक ही पुकार थी, सबकी यही पुकार, हमारे कारण हार न जाओ। जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा प्रभु? जो सबकी रक्षा करते हैं वही प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। आप मत जाइए प्रभु, प्रभु आप मत जाइए प्रभु। प्रभु मत जाओ हमें छोड़कर। मुझे मत रोको काका, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। सेनानायक, नगर द्वार खोल दो। नहीं, नहीं। द्वार खोल दो सेनानायक। नहीं राजकुमार, मुझसे ये पाप मत कराओ। मैं अपने हाथों से द्वार खोलकर आपको मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। ये हमारी आज्ञा है भद्रसेन। नहीं, नहीं। भद्रसेन, नगर द्वार खोल दो, अन्यथा हम स्वयं ही खोल लेते हैं। नहीं, जो आज्ञा। नगर द्वार खोल दो। चले दाऊ भैया, चले। रुकिए प्रभु,
क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस समय यदि आप रुकने की आज्ञा भी देंगे तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा प्रभु। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा अकेले। मैं और मेरे चुने हुए साथी आपके साथ जाने की, आपके साथ मरने की शपथ लेकर आए हैं प्रभु, शपथ लेकर आए हैं। ये शहीदी दस्ता सबसे आगे रहेगा। पहले हमारे सिर कटेंगे प्रभु, हमारे सिर कटेंगे। अब हमें मत रोकिए प्रभु, मत रोकिए। जब आपने शपथ ले ही ली है तो आप मेरे रोकने से क्या लाभ होगा अक्रूर जी? फिर भी हमारी एक बात मान लो। कहिए प्रभु। हमारे आगे नहीं, तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलो। परंतु प्रभु। अक्रूर जी, ये हमारी आज्ञा है अक्रूर जी। अच्छी बात है प्रभु, अच्छी बात है। चले दाऊ भैया। सैनिक, द्वार खोल दो। शत्रु विश्वासघात भी कर सकता है, इसलिए अब यह नगर द्वार बंद कर दो। चले चलो। सुर, ये दो बालक तो बलिदान के लिए आ रहे हैं, पर उनके पीछे ये 8-10 साथी क्या करने आ रहे हैं? उन्हें भी मरना है क्या? नहीं सम्राट, ये लोग इन दोनों का मृत शरीर उठाकर मथुरा वापस ले जाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। परंतु याद रहे, याद रहे, उन दोनों पर हमारे अतिरिक्त कोई हथियार नहीं उठाएगा। हम अपने हाथों इन दोनों का मस्तक काट देंगे अवश्य।
महाराज शल्य, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक ये तूफान कहां से आ गया? सम्राट, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने बिजलियां गोंद रही है सम्राट। दारुक, हमारे शस्त्र कहाँ है? प्रभु, वो देखिए। दुष्टों का घातक नारायण का ये चक्र सुदर्शन, इस अवतार में पहली बार किया प्रभु ने इसका आवाहन।
ये हमारे जीवन का पहला युद्ध है ना? हाँ, पहला ही तो है। और आप बड़े हैं, इसलिए इसके सेनापति आप होंगे। मैं? हाँ दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं। इस समय सारे यदुवंशी और मथुरा निवासी आपको ही अपना रक्षक और स्वामी मानते हैं, सो इस विपत्ति में उनकी रक्षा कीजिए। हे शेष अवतार, अपने दिव्य आयुधों को लेकर रथारूढ़ होइए और जिन दुष्टों का नाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है उनका संहार करके इस पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। मैं आपका अनुज, आपकी आज्ञानुसार युद्ध में आपका पूरा साथ दूंगा, परंतु सेनापति आप होंगे। देखो कृष्ण, मुझे ऐसी लच्छेदार बातें करना नहीं आता। मुझ पर छोड़ते हो तो फिर बीच में मेरा हाथ मत रोकना। केवल एक विनती है। वो क्या? जरासंध को जीता छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो हार कर भी जीता रहेगा तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर इसी प्रकार कई यक्षोहिनी दुष्टों को इकट्ठा करके आक्रमण करने आएगा। और हम दोनों मथुरा में बैठे बैठे ही इसी प्रकार इतने सारे दुष्टों का एक साथ संहार करते रहेंगे। अन्यथा इतने सारे दुष्टों को ढूंढने हम कहां कहां भटकेंगे। इसलिए आज इसे अपमानित करके छोड़ देना। अच्छी बात है, अब अपने आयुधों को संभालो और अपने रथ पर सवार हो जाओ। जो आज्ञा। अब यदि आज्ञा हो तो मैं युद्ध की घोषणा करूं।
जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं, जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम, बलराम जी बलधारी हल उनका प्रलयंकारी, मथुरा में आए दुष्टों का कल्याण करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं, जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम। Thank you.
Yeah!
अच्छा तो देख देख उठाना आसान है लेकिन उसे चलाना भी सीख कर आना था समझे। काम नहीं कृष्णा।